तद्भक्ताय नमो नमः। प्रमोद मदन लीला कंदरे कंदरते रचयति नवजून तंदमस्मि मंदम ईतकिल करणाकलनाथ लग्नस्तद्वयमे निजकटनिवास देहि गोवर्धनपूर्णक। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनीतानंद त्रियाद्वैत गदाधर शिव सारे गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव दिदलीला प्रभुष्ण विष्णुपाल अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्रेणु सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हरि शिखा गुरुदेव परिप्राग आचार्य दिव्य स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री लजपातगण वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण कमरा देखा जो प्रणाम श्री बार। हम लोगों का परम सौभाग्य का दिन है जो कि ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते श्री गुरु जी का अंत कर्तव्य हम लोग श्री गिरिराज गोवर्धन में हम लोग उपस्थित हुए। शास्त्र में बताया कृष्ण रस भविता मति प्रियता उत्तर यदि लभ्यते आरे इसलिए शास्त्र में बताया जीवन में कृष्ण भक्ति रस में भागीदार जिसकी मति है अगर सौभाग्य क्रम से ऐसे रसिक भक्तों का अगर संगम में प्राप्त हो वह संगम द्वारा जीव को इतने महान वस्तु की प्राप्ति होती है जिसको द्वारा कोटि सुकृति अपनी न लभ्यते। कहते करोड़ करोड़ जन्म का सुकृतियों के द्वारा जो वस्तु प्राप्त नहीं होता है कहते वह वस्तु किसी कृष्ण रस भविता मति भक्तों का कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य है लोग तो बड़े बड़े लोग तो श्री गिरिराज को परिक्रमा लगाने आते हैं गिरिराज को दर्शन करने आते हैं लेकिन अक्सर करके लोगों का जो भावना है हमारा बेटा बेटी की शादी हो जाए हमारा घर मकान न मिल जाए हमें धन दौलत मिल जाए लेकिन गिरिराज की सेवा को प्राप्त करने के लिए और वे हमें कृष्ण भक्ति रस में श्रीमती श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो अनर्पित चरित्र प्रेम को देने के लिए आए थे वो प्रेम को प्राप्त करने के लिए बड़े विरल लोग आते हैं। लेकिन ऐसे भावना कब प्रकट होगा कैसे प्रकट हो सकता है कहते केवल कृष्ण भगवत भक्ति रस में जिसका मति संपूर्ण डूबा हुआ है ऐसे भक्तों की अनुगत्य से ही हो सकता है। इसलिए हम लोग परम सौभाग्यवान हैं जो कि श्रील गुरु जी की अनुगत्य में हम लोग श्री गिरिराज गोवर्धन चलने में आए हैं। आज आप लोग जो इतने भक्त श्री महाराज की संग को प्राप्त करने के लिए आए हैं हमारे महाराज जी को इतने शक्ति कैसे प्राप्त हो पाए यद्यपि गुरु जी नित्य तत्व है यद्यपि गुरु जी नित्य सिद्ध है तब भी साधक रूप में वो भी कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए जिस स्थान पर हमारे गौड़िया मठ भी है महाराज जी यहीं पर पहले यहाँ पर 2 मंजिल एक मठ था जिसमें महाराज जी यहाँ पर बहुत साधन किया है जैसे गोस्वामी लोगों ने संध्या पूर्व का नाम वदान न दिधि काला बसा निकृतो निद्रा आहार विहार काज विजितो चातंत दिन चलो राधा कृष्ण गुण स्मृतेन मधुरिमान सन्मुखितो वंदे रूप सनातन रघुजीवो श्री जीव गोपाल।
गोस्वामियों को अनुसरण करते हुए गुरु जी हमारे यहीं पर कठोर साधन भजन किया, किसी ना किसी तरह से थोड़ी सी माधुर्य ले करके थोड़ी सी स्टोव में थोड़ी सी कभी खिचड़ी वगैरह जी बना करके यहीं पर भजन करते हुए कभी पानी भर जाता था गले तक, गुरु जी वहां तक पानी को पार करते हुए रोज गिरिराज परिक्रमा करना, गोस्वामी ग्रंथ पर पठन पाठन करना और कठोर रूप में कभी गुरु जी ने यहाँ पर साधन की है। उसी साधना का फल स्वरूप देखो आज इनके प्रभाव कितने विस्तार हुआ है गिरिराज की कृपा से, अभी विश्व ब्रह्मांड के सब देश आप लोग भंवरे महाराज की कमल पुष्प की मधु को मकरंद को पान करने के लिए आप लोग अभी उनको चारों तरफ में बढ़ा रहे हैं। सबके साथ गिरिराज की सबके साथ गिरिराज की कृपा है, इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं निज निकट निवास देही गोवर्धन पूर्णात्मा, सखात रतिमंजरी होते हुए भी श्री गिरिराज की तनति में वो प्रार्थना करते हैं आपका श्री चरण हमें स्थान प्रदान करो। इसलिए जितने सारे हमारे गुरुवर्ग हैं वा जितने सारे बड़े से बड़े जो भक्त लोग हुए हैं, उद्धव जैसे व्यक्ति जब ब्रज में आए और उन्होंने ब्रज गोपियों की उन्होंने प्रेम को उन्होंने दर्शन किया, जहाँ पर गोपी प्रेम की कोई थार उन्हें नहीं पाया, जहाँ पर उनकी संजल्प अभिजल्प प्रजल्प बीजल्प जहाँ गोपियों की जो भाव को उन्होंने दर्शन किया, दर्शन करके उन्हें चकाचौंध हो गए उनकी भावना को देख करके, तो उन्होंने समझ गए कि अगर जगत जगत में अगर जगत में कोई सर्वश्रेष्ठ प्रेम है ये गोपी प्रेम ही सर्वोत्तम है, जिसके लिए उद्धव स्वयं ब्रज गोपियों की चरण धूल की प्रार्थना करते हैं और गोपियों की चरण की वंदना करते हैं, राधा रानी के चरण के धूल को प्रार्थना किया, तो उद्धव ने देखा अगर इतने श्रेष्ठ प्रेम को पाना तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका साधन क्या है, सबसे सरल साधन क्या है, तो उन्होंने देखा जब तक श्री गिरिराज की कृपा नहीं होगा, क्योंकि कहते रस्सी का बर खुलाना कहते रस्सी के पर है रस्सी दो में सर्वश्रेष्ठ गिरिराज को वर्तने, इसलिए महाराज जी कहते हैं ये भी स्वयं हरिदास वज्र भी है और ये हरिदासी भी है एक स्वरूप में, इसलिए गुरु जी कुछ कारण बताए हरिदासी क्यों, कहते कारण कहते प्रमद बदर लीला कंदर कंदर थे, जब ये प्रमद बदर लीला कंदर कंदर में किया है ब्रज गोपियों को साथ में जब विहार किया कहते लीला में कौन अधिकार हो सकता है, इस लीला में कौन प्रवेश कर सकती है, केवल उनको मंजरी दास ही प्रवेश कर सकती है, अगर ये गिरिराज गोवर्धन अगर ये हरिदासी नहीं होते तो फिर कृष्ण चंद्र चंद्रा में कुंज पूजा में लीला कैसे की है, इसलिए भी एक स्वरूप में ये हरिदासी भी है। हाँ, इसलिए कहते पत्थर क्यों बन गए, कल महाराज जी बता रहे थे कि तुम पत्थर क्यों बन गए, कहते इसलिए जड़ बन गए, अगर जड़ नहीं बनेंगे तो फिर एक संकोच बोध करके कभी कभी वो मधुर लीला प्रभु कर नहीं सकते हैं, इसलिए जड़ बन गए। गुरु जी कहीं बता रहे थे उसका तीसरा कारण जड़ बनने का, कहते जैसे अष्ट साथी विकार है उसमें श्वेत उलग अश्रु वैवर्ण उसमें स्तंभ है जिसमें जड़ता प्राप्त कर जाते हैं, मानो भगवान जब गिरिराज गोवर्धन में आते हैं राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, कहते उनका चरण की स्पर्श को प्राप्त करके आनंद में कहते उसमें जो घास है कहते घास नहीं मानो भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श से उनको रोंगटे के खड़े हो गए हैं, कहते उसमें जो झरना बहती है कहते झरना नहीं बहती है कृष्ण प्रेम में व्याकुलित होकर के नयनम गलत गलतस्रु धारया बदनम गदगद रुधिया गया मानो प्रेम से उनको आंखों से आंसू की झरी बह रही है, कहते कृष्ण जब चरण अर्पण करते हैं मानो से गिरिराज गोवर्धन अपना जीवा को निकाल देती है और कृष्ण का चरण गिरिराज के जीवा को ऊपर से प्रदान कर रहे हैं, इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन कृष्ण प्रेम में ही स्तंभ जैसे हो गए, इसलिए उद्धव जी देख रहे हैं अगर वो प्रेम को प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं, यदि गिरिराज की कृपा के बगैर वो प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए स्वयं गिरिराज स्वयं उद्धव जी कहां पर गोपी प्रेम की चरमता दर्शन करके कहां पर उन्होंने वास किया, यदि श्री उद्धव कुंड पर,
उद्धव जैसे व्यक्ति जिसके लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्म ज्वलित न शंकर नैव श्री नैव आत्मा जथा भवा हे उद्धव तू मेरे जितना प्रिय है न तथा में प्रियतम आत्म ज्वलित ब्रह्मा भी उतना प्रिय नहीं शंकर भी इतना प्रिय नहीं लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं मेरा आत्मा स्वयं बलदेव प्रभु भी इतना प्रिय नहीं ऐसे प्रिय व्यक्ति प्रेमातुर भक्ति भक्त वो गिरिराज की तलहटी में ही आश्रय लेकर घास रक्त भजन कर रहे हैं नारद जी जब उन्होंने कौरवासी को वृंदावन के मुख से उन्होंने अष्टकालीय लीला को उन्होंने स्मरण किया श्रवण किया और उसको श्रवण करके गोपी प्रेम की जो सर्वत वास को समझे राधा रानी कृपा के द्वारा तो उन्होंने देखा कहां पर हम भजन कर सकते हैं कहां पर ये सिद्धि मिलेगी वो भी आकर नारद मंडप पर यही पर आकर भजन किया और गिरिराज की कृपा से ही नारद ये गोपी स्वरूप प्राप्त करते हैं कहते मानो उसी धारा से ही ये चीज को शिक्षा देने के लिए हमारे गुरु जी भी महाराज जी आकर के गिरिराज तलहट में भजन किया अब भजन करके उन्होंने खुद ब्रज प्रेम को गोपी प्रेम को हमारे गुरु जी ने भी प्राप्त किया है बोले श्री गिरिराज महाराज की कहते हैं जी जो गिरिराज गोवर्धन है कहते इनका एक अचिंत्य इनका स्वरूप है जैसे महाप्रभु एक अचिंत्य वेदावेद तत्व उन्हें सिखाया है दिया है कि उसी तरह ये गिरिराज की स्वरूप एक अचिंत्य स्वरूप है क्योंकि कहते एक स्वरूप में वो एक भक्त भी और एक भगवान है क्योंकि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को जब वो गिरिराज शिला प्रदान करते हैं महाप्रभु ने किया क्या बोले रघुनाथ तेरे को मैं ये गिरिराज शिला दे रहा हूँ ये गिरिराज स्वयं कृष्ण है जब उन्होंने गुंजा वाला दिया रघुनाथ ये स्वयं राधा रानी इसलिए महाप्रभु का मुंह से निकला हुआ कि गिरिराज कौन है कि स्वयं कृष्ण है कल महाराज जी बता रहे थे कि इधर राधा रानी क्या बोलती है कि हंता अद्रियवला हरिदास वर्ज्य राधा रानी स्वयं कहती है कि ये हरिदास है अभी महाराज जी इस विषय पर बताते हैं इधर एक स्वरूप में स्वयं भगवान बता रहे हैं ये स्वयं कृष्ण दूसरे स्वरूप में राधा रानी बता रहे हैं ये कौन हरिदास वह हरिदास ही है अभी अभी हम लोग किस चीज को ग्रहण करें उनको कृष्ण स्वरूप में ग्रहण करे ना उनको भक्त स्वरूप में ग्रहण करे यदि महाराज का विचार है हम लोग चूंकि आश्रय तत्व हाँ हम लोग आश्रय तत्व और आश्रय तत्व की सेवा प्राप्त हाँ आश्रय तत्व की कृपा से ही हमें वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है इसलिए ये आश्रय तत्व जो श्रीमती राधा रानी जो बताई वो चीज हमें ग्रहण करनी चाहिए इसमें मैं एक विचार बता रहा हूँ पता नहीं वो झूठ वो सच होगा ना सही ना गलत है महाराज जी विचार करेंगे हम क्यों ये आश्रय तत्व जो राधा रानी जो बता रही है हरिदास वैद्य हम ये चीजों क्यों ग्रहण कारण क्या कारण है कहते कृष्ण का जगत विषय विग्रह है और रस वैसे रसम छवायाम लब्धानंद भवति कृष्ण जगत विषय विग्रह है लेकिन विषय विग्रह होने पर भी वो अपना सेवा रस को कृष्ण नहीं दे सकते और कृष्ण विषय विग्रह होने के नाते उनका अंदर में क्या आनंद है कहते वह चीज कृष्ण को बता दी और कृष्ण ये भक्ति नहीं दे सकते इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रधर से कहना बताते हैं इसलिए जैसे भागवत में कृष्ण स्वयं कहते हैं अनुप्रजामि अहम नित्यं कुए एत अंधिरेणुः कृष्ण कहते हैं मैं भक्तों को पीछे 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 चलता हूँ क्यों इसलिए भक्त जब चलते हैं उनको पीछे उनका चरण रुकता है जब भक्तों का पीछे पीछे चलूंगा उनका चरण धूल उड़ कर जब मेरे सिर पर पड़े तो कहते कुए एत मतलब मैं पवित्र बनने के लिए किसी भक्त ने पूछा प्रभु आपके अपवित्र ऋणी हो गए हाँ भक्तों से मैंने ले रह गए कि मैं ऋणी बन गया क्योंकि भक्त लोग कई सेवा करते हैं जब सेवा करते हुए जब संतुष्ट होता हूँ गोपियों के प्रति तुम लोग बड़ी बड़ी सेवा किए हो नवार संजा तुम लोग ऋणी नहीं चुका पाऊंगा ब्रज गोपियां कुछ मेरी मैं कुछ देता हूँ कुछ ग्रहण करो लेकिन ब्रज गोपियां कहते श्याम सुंदर अगर आप देना चाहते हो आप चरण की सेवा दीजिए इसलिए भक्त लोग कहते हैं
कुछ नहीं चाहते मेरे भक्त लोग, केवल मेरा सेवा चाहते हैं। अगर केवल मेरा सेवा ही सेवा चाहते हैं फिर क्या हो गया, फिर मैं तो रेडी बन गया ना। इसलिए भक्तों से रेडी लेते लेते मैं एकदम रेडी बन गया। इसलिए मैं चाहता हूँ भक्तों का रेडी से उड़ी कैसे बन, रेडी से मेरा मुक्त कैसे हो। इसलिए भगवान सोचते हैं अगर मैं भक्तों का पीछे पीछे भी चलूंगा ना, उनका चरण मुझे पूर करके मेरे सिर पर पड़ेगा, कम से कम मैं तो कोई भी बन जाऊंगा। तब यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। भगवान हो करके रस स्वरूप हो करके ये भक्तों के चरण धूल क्यों चाहते हैं, कहां से दिया है, कहते इसका बहुत अच्छा कारण बता रहे हैं। कहते भगवान देख रहे हैं मैं स्वयं विषय विग्रह हूँ, विषय विग्रह होने का नाते मेरे अंदर में क्या रस है, कहते ये चीज मुझे बता दी, कहते ये चीज पता किसको, कहते ये चीज भक्तों को बता। कृष्ण में क्या रास्ते भक्तों को आस्वादन करते हैं, इसलिए भक्तों को बता है। अगर भक्तों को पता हो तो अभी फिर वो रस को मेरे अंदर में जो रस है फिर मैं चीज को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे प्राप्त कर सकता हूँ भक्तों को कृपा को द्वारा। इसलिए श्री नरोत्तमदास ठाकुर ने कहा भक्त पद जलार भक्त पद गुलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष तीन के साधन पर। कहते साधन का जो बल है, भक्ति पाने का जो मार्ग है, तीन चीज है। कहते किया कहते एक भक्तों का चरण धूलि और एक भक्तों का चरणामृत, तीसरा भक्तों का अधरामृत और हरि कथामृत। कहते तीन चीज, कहते तीन चीज ही भक्ति दे सकती है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं कहते तीन चीज ही भक्ति दे सकती है, भक्तों का चरण धूलि से भक्ति मिल सकती है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं जब भक्तों का पीछे पीछे चलूंगा उनका चरण की धूल जब उड़ करके मेरे सिर पर पड़ेगा, कहते उनका चरण का धूल ही ये भक्ति प्रदान कर सकती है। और वो भक्ति को द्वारा मेरे अंदर में जो रस है, मैं जो रस स्वरूप हूँ, रसम भवायाम लब्धा न लभवति, मैं जो अखिल रसा मृत मृत्यु हूँ, तब वो चीज को मैं आस्वादन कर सकता हूँ। इसलिए कृष्ण स्वयं भगवान होने पर भी कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में गए और निकुंज में बैठ बैठ करके सोच रहे हैं यद्यपि मैं स्वयं रस स्वरूप सारे रस को मैंने आस्वादन की है, लेकिन एक चीज तो मेरा दिमाग से ऊपर चला गया, वो क्या है, कहते राधा प्रणा महिमा की दृश्य वो चला गया। इसलिए महाप्रभु स्वयं कृष्ण स्वयं राधा भाव और अंगकांति को लेकर आए और गुरु किसको बनाया, विशाखा को, राजा मंत्र को गुरु बनाए, गुरु बना करके फिर वहां से उन्होंने शिक्षा दिया, फिर पूरी में आस्वादन करते हैं। अगर ये गिरिराज को अगर हम भक्त स्वरूप में मानते हैं, महाराज का जो विचार अगर उनको जो हंता अद्रि अवला हरिदास वर्ज्य जो राधा रानी उनको हरिदास वर्ज्य रूप में बताती है, अगर हम उनको हरिदास वर्ज्य रूप में हरिदासी रूप में अगर उनका आश्रय ले, इसलिए वो स्वयं हमें ये गिरिराज की कृष्ण प्रेम हमें प्रदान कर सकते हैं। ये महाराज के विचार में तो बताया अपना विचार दिया, अभी महाराज बताएंगे ये बात सही ना गलत है। इसलिए कहते हैं गिरिराज जी इनका नाम है गिरिराज गोवर्धन, कहते उनका नाम ही उनका महिमा को प्रकाश करता है। कहते गिरिराज गिरि और एक राजा है, कहते दो स्वरूप में गिरियों में राजा है। कहते एक स्वरूप में श्री गिरि, इनका नाम गिरिराज मतलब गिरि में जो राजा, इसलिए कल हम श्रवण कर रहे थे कि जो गिरिराज गोवर्धन का जो ऊंचाई वो 64 मील बता रहे थे। इसलिए जितने सारे गिरि है सबसे बड़ा माना जाता है हिमालय पर्वत को, लेकिन उससे भी कहते हैं गिरिराज उससे भी बड़ी ऊंची थी। महाप्रभु का समय पर बोलते हैं यहाँ सूर्यास्त होने पर उसी समय इसका परछाई मथुरा तक पड़ता था, इतने बड़ी लंबा थी गिरिराज गोवर्धन की। इसलिए किसी स्वरूप में गिरिराज, दूसरे स्वरूप में हर पर्वत का एक एक स्वरूप है, हर पर्वत का, लेकिन किसी गिरिराज का पर्वत का क्या स्वरूप है, जब एक स्वरूप गिरिराज गोवर्धन का जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने कठोर साधना भजन की राधा कृष्ण की, जब राधा कृष्ण संतुष्ट हुए बोले क्या चाहते हो, बोले आपकी चरण की सेवा चाहते हैं, बोले किस रूप में चाहते हो, बोले हम पत्थर बन करके जैसे ब्रह्मा में तक दुर्भाग्य मिले जन्म कि अटक गया, उन्होंने देखा अगर ब्रज में पत्थर रूप में भी हमारा जन्म हो जाएगा तभी कृष्ण की अगर सेवा मिल जाए तभी हमारा जीवन सार्थकता। इसलिए स्वयं शंकर बोले बने नंदगांव, स्वयं ब्रह्मा बोले ब्रह्माचल पर्वत बरसाना, और यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु ही ये गिरिराज गोवर्धन बने। इसलिए इनका जो गिरिराज है मतलब स्वयं विष्णु ही
इसका अधिष्ठान देवता स्वयं कृष्ण की, इसकी अधिष्ठान देवता और स्वयं ये हरिदास की है। और गोवर्धन को मतलब होता है इंद्रिया, वर्धन मतलब होता है इंद्रियों की जो बढ़ाती, मतलब इंद्रियों को जो सेवा करती है। फिर गिरिराज कल आप लोगों ने श्रवण किया, गिरिराज विभिन्न रूप में कृष्ण इंद्रियों को तृप्ति किया है सब, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रूप में जब गिरिराज धारण की, कृष्ण चाहते थे रासलीला करना, रासलीला ही कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ लीला है। अभी कृष्ण सोच रहे रासलीला करता कैसे करूंगा, अभी ब्रज गोपियों के मन को आकर्षण करना, इसलिए कुछ चीज उनको दिखा करके आकर्षण करना, इसलिए कृष्ण गिरिराज जब धर्म किया, इतने सारे ब्रज गोपियां आकर के जब कृष्ण की पराक्रम को देखा, जैसे कि हाथी एक कमल पुष्प को उठा ले, जैसे कृष्ण ने गिरिराज को धर्म किया, इसलिए ब्रज गोपियां तो कृष्ण की ये भावना को देख करके चरण वो लूट गए। कृष्ण के कारण सारी इच्छा पूरी हो गई, रासलीला का प्लान पूरा हो गया। इसलिए मानो ये गोवर्धन है, कृष्ण का सर्वतम रूप में कृष्ण का जो इंद्रियतृप्त रास नहीं है, इसी रूप में मानो कृष्ण ने इंद्रिय को उन्होंने बढ़ाया। मैं जो गुरुजी से सुना था थोड़ी बहुत बताया, अगर इसमें कुछ भूल होगा तो गुरुजी संशोधन कर देंगे। फिर मानता अगर श्रीपाद रसानंद पुर ने बताया कि कल आपने बताया था ये हरिदास वर्ज हैं, श्रीमन महाप्रभु इनको कृष्ण के रूप में दर्शन किया और राधिका की स्पुत्र कह रहे ये हरिदास वर्ज हैं, और रसानंद कह रहे ये हरिदासी है, अगर नहीं होते हरिदासी कृष्ण को चौक पर कैसे बजाते बासी। तो ये विचार किया कि हरिदास है या हरिदासी है या कृष्ण है। अब तक हम सुन चुके थे कि हरिदास वर्ज है और कृष्ण भी है, लेकिन असल में लोगों ने विचार किया नहीं हरिदासी है, और हरिदासी होते तो गिरिराज गोवर्धन कुंडलिंग शब्द है, जब उनकी पूजा होती है ओम गिरिराज नमो, तो अगर शक्ति होते तो ह्रीम श्रीम राम बीच होता ये भी नहीं है। और असान को देखा आपके साथ जब गए जनेऊ चढ़ाया तो दासी को कैसे जनेऊ चढ़ाया असान ने तुमने, ये मेरा जिज्ञासा है, असान इसका उत्तर दें। हरे कृष्ण। भक्तों में हमारे श्री सनातन गोस्वामी उन्होंने जो बृहद भागवतामृत में उन्होंने पांच तरह का भक्त बताया है, लास्ट उन्होंने जो प्रेमातुर जो भक्त उन्होंने उद्धव तक बताया, उसको बाद में फिर भक्तों का स्थिति वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन उद्धव जैसे व्यक्ति उन्होंने आ गए तो उन्होंने कहां पर आश्रय लिया, वो गोपी प्रेम को पाने के लिए। अगर ये दासी नहीं होते तो जिसको पास में जो वस्तु नहीं वो दूसरे को वस्तु नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने गोपी प्रेम को पाने के लिए नारद उद्धव रघुनाथ दास गोस्वामी रति में जे वो स्वयं कहते हैं निज निकट निवास देही गोवर्धन पूर्णता, अगर हुए अगर ये रस का, इसलिए कहते रस्सी का बर्फ फुलाना उनका रस्सी को मैं बर सर्वश्रेष्ठ बताया, रसिक में सर्वश्रेष्ठ है, अगर उनका अंदर में ये रस नहीं होता तो फिर ये रस कैसे दे सकते हैं, इसलिए इसमें सिद्ध होना है ये हरिदासी है। ब्रज गिरिराज महाराज की, ब्रज माधव महाराज। और अभी बताया कि भगवान विष्णु ने ये जो पर्वत हुआ है, से ब्रह्मा जी के ब्रह्म पर्वत वर्षण में और विष्णु को बने शक्तिफल के पास रसन लगा में यही हुआ है, आपने बताया भगवान ने इधर गिरिराज हुआ है, ऐसे कहाँ वर्णन है। और एक है सर्वत्र प्रमाण दिव्य पुराण वचन है, ऐसे वर्जनी करने से नहीं होगा, ये हरिदास कहाँ से, और हरिदासी मान लेंगे कृष्ण भी स्त्रियों का सम्मान किया है, और हरिदासी होंगे तो सखा दासी का कुदे देना चाहिए सबके ऊपर, ये कैसे विचार है। देखो श्री जी भगवान कहते हैं मुक्ता की क्या विग्रह तीर्था भगवतम सेवंतम, कहते एक साथ में मुक्त पुरुष एक साथ में बहुत स्वरूप को धारण करते हुए भगवत सेवा करते हैं, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्ण सेवा में रति मंजे और महाप्रभु सेवा में कहते ये स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री राय रामानंद उनको एक साथ में पांच स्वरूप बताया गया, कहते ये एक स्वरूप में अर्जुना सखी, दूसरे स्वरूप में ये अर्जुन, तीसरे स्वरूप में ये विशाखा, चौथा स्वरूप में उनका नाम ललिता का भी कुछ संग है, तब हम क्या बताएंगे, हम क्या बता सकते हैं। इसलिए मुक्त अवस्था में हमारे बुद्धि वहां काम नहीं करती, इसलिए हमारे बुद्धि को सारे बंद करके गुरु वर्ग की बुद्धि को लेनी चाहिए।
जो पहले प्रश्न पूछा था, अगर ये गिरी हरिदासी होती तुम तो मंत्र में ओम गिरिराज का नाम क्यों है, उसमें ह्रीम श्रीम राग कुछ होता? और फिर जब हमारे साथ गए थे जनक क्यों चढ़ाया था गिरिराज जी को, बताइए। हमारे गुरुदेव हमारे देखने में पुरुष है, हम मंत्र उनका एम से लेते हैं, लेकिन अंदर से वो मंजर ही है जो हम समझते ही नहीं है। इसी तरह जो वही शब्द है आप अग्नि पुराण में देखेंगे, ये पुरुष वाची ये बीज नहीं है। विठल जी ने प्रार्थना की है कृष्ण के श्रीखंड से स्मेर हास मरणी मनोहर राधिका श्री उन्होंने प्रार्थना की कृष्ण से, हे कृष्ण अपनी प्रिया श्रीमती राधिका जी की हमें दासी बनाए। कृष्ण ये वर दे सकते हैं कि नहीं, दे सकते हैं कि नहीं, बोलो बातों बारे दे सकते हैं देने की नहीं साफ हो तो राधिका की दासी कृष्ण है तो फिर वो कैसे देने? हमारी बात समझो, तुमने कहा जैसे वो दासी होने से ही दासी कृष्ण, तो कृष्ण राधिका जी की दासी है, तो इस चीज को समझो कि गिरिराज जी वैसे भी दासी नहीं होने पर भी दासी का परदेश हरिदासी, तो हरिदासी और हरिदास में क्या उसमें बहुत सनातन गोस्वामी जी ने ऐसा वर्णन किया, इसलिए एकाग्रता हट करना ठीक नहीं।
Swayam Bhagavan Sri Krishna Chandra. So that eternal abode is manifested here on the mundane plane for the benefit of the conditioned souls here in the material world who have no touch with transcendence. So out of his causeless mercy, Bhagavan Sri Krishna Chandra, in order to reclaim all the lost souls who have forgotten their eternal relationship with him, he manifests his divine abode in this material world. When he descends here personally, he manifests his abode by his internal potency, Yoga Maya, and all of his associates from the transcendental world, they also descend here, and they sport with him. Sri Krishna himself is the supreme taster of rasa, Rasika Shekhar Krishna. But he is also Paramakarunya. He is also supremely merciful. So therefore, when he comes here for these twofold purposes, to taste rasa and to give mercy to the conditioned souls in the form of manifesting his rasa-filled pastimes, which by hearing, that by the conditioned souls hearing, oh, then they will become attracted to him. And once again, they will establish their eternal relationship with him. So in this Braj Mandala, there are so many holy places to visit. For this whole month of Kartik, we go under the guidance of our Gurudev to so many transcendental holy places. All of the 84 grosa of Sri Braj Mandala are filled with thousands and thousands of unlimited pastime places. 500 years ago, when Sri Chaitanya Mahaprabhu sent his eternal associates, Sri Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and the six Goswamis here to Vrindavan and to reside in Braj Mandala, they wandered here and there, everywhere in Braj. And they did their bhajan in different forests, under different trees, tasting and relishing and experiencing all the different moods, all the different rasa-filled pastimes of Radha and Krishna and their eternal associates. But they also made it very clear, especially Sri Rupa Goswami Pad in his Sri Upadeshamrita, that of all the transcendental places in Braj Mandala, Sri Govardhan is topmost. In verse 9 of Sri Upadeshamrita, Srila Rupa Goswami is writing, Vaikuntaj janito vara manupuri tatrapi rasotsava vrindaranyam udara pani ramana tatrapi govardhana radha kunda mihapi gokulapate premam rita plavanat kuryat asya virajato giritate sevam viveki naka. Here he gives a comparative analysis of the different levels of the transcendental world. Vaikuntaj janito vara manupuri. Here he says that the transcendental spiritual world, known as Vaikuntadam, it is far, far beyond this material world, far beyond the heavenly planets and Swargalok, millions of times more exalted. So that Vaikuntha region of Lord Narayan, much more superior to that place, is Mathurapuri. Because there, Sri Krishna Bhagavan, Swayam Bhagavan himself, manifested his birth pastime in this Mathura Mandala. Vaikuntas janito vara Mathupuri, tatrapi rasotsavat, Vrindaranyam. And now he comes to the forest of Vrindaranya, the forest of Vrindavan. There, that place is superior, because it is the place where Sri Krishna manifested his Mahalila, his Rasalila, in which his Ananta Lilas are contained, all of his transcendental pastimes contained there. But then higher than that, Udarapani Ramanat Takrapi Govardhana. Here, Giriraj Govardhana is considered superior position.
And Srila Gurudev has explained to us why. Because in this place, Sri Krishna has performed Rasleela of the topmost nature, in which even only his Nitya Siddha Gopis are dancing with him here. And all throughout Giriraj Govardhan, there are so many pastime places, as we hear in the various ashtakams of our acharyas, that they are explaining that all the different caves, all the different crevices, all throughout Giriraj Govardhan, just like today we went to Dhamgati, and tomorrow we will go to Manasi Ganga. And all of these places are filled with the sweetest, most rasa-filled pastimes of Radha and Krishna. By relishing and tasting these, our acharyas, especially our six Goswamis, they merged in transcendental moods of separation mood, and constantly searching out, crying out, Gosantav, iti sarvato prajapure. They were always wandering here, there, in Braja, crying out, Hey Rad, Hey Braja Devi, Ke Chandalite, Hey Nanda Suno Pitaha, searching for Radha, searching for Krishna, searching for Lalita Devi, searching for Nanda Maharaja's son, Krishna. Where are you now? Are you at the foot of Giriraj Govardhan? Or are you on the banks of the Jamuna? Or where are you? So in this way, all of our acharyas have come here to Giriraj Govardhan, because in Giriraj Govardhan is the topmost place of all. Radha Kunda Mihati Gokula Pate Premapurita Plavanat. As we heard yesterday from Srila Gurudev, Sri Giriraj Govardhan, Radha Kunda, and Shyama Kunda are like the two eyes of the peacock. They are the topmost place in all of Braj Mandala. And Giriraj Govardhan is like a shining tilak on the head of all of Braj Mandala, the decoration of Braj Mandala. So this place, Radha Kundam, it is the place where the most intimate pastimes of Radha and Krishna take place, in Madhyan Leela, the midday pastimes. And all of our charges have come here to relish that transcendental moods of Ras. So therefore, Srila Rupa Goswami has made it very clear in Sri Upadeshamrita that who is there who will not worship this place? Kuryat asya virajato giritate sevam viveki naka. If someone is actually viveki, if someone is intelligent, they will be able to discriminate. They will be able to understand the differentiation of rasa and where that topmost rasa of service to the lotus feet of Srimati Radharani is available in the transcendental topmost place, Radha Kunda. So in three verses, Srila Rupa Goswami has completed his essence of all instruction, Upadeshamrita, to teach us that that is the ultimate destination of the Gaudiya Vaishnavas. I remember that my Siksha Guru, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, he explained that that place is so high, that transcendental Radha Kunda is so beyond and so unattainable by us. He even told that his Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he used to say that I want to reside some distance away from Govardhan, from Radha Kunda. I want to reside in a place nearby, just some distance away, because I am not qualified to be there in Radha Kunda to render transcendental service to the divine couple. But my Gurudev, he is residing there. So therefore I will reside some distance away, and from time to time I will go there and I will serve my Gurudev there as he is serving the divine couple, and then I will come back. In such mood of humility, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada has expressed this. So our beloved Gurudev, he is traveling throughout the world, the length and breadth of this world, and he is broadcasting the glories of Braj Mandala. He is telling all souls throughout the world about the glories of Braj Mandala,
about the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, how he came here personally, how he sent the six Goswamis here personally to reveal these topmost places in Braj Mandala, and how Chaitanya Mahaprabhu, who is Radha and Krishna combined, only he could reveal Sri Radha Kund and Shama Kund. Even that was left only for him. So therefore, it is not a very easily attainable thing. Srila Rupa Goswami is telling that the great sages like Uddhava and Narada, they are doing severe austerities. They want to also attain that benefit of Sri Radha Kunda and rendering service to Giriraj Govardhan. So therefore, Srila Gurudev is bringing us here to the foot of Giriraj Govardhan, that we can perform this Govardhan Parikrama annually, that we can pray at the lotus feet of Giriraj Maharaj, Nija Nikita Nivasam, Devi Govardhanatvam, like our acharyas are praying, that O Sri Giriraj Govardhan, you are Haridas Bharya, you are dear most intimate servant of Sri Sri Radha and Krishna, therefore I'm praying to you from the core of my heart, please be merciful to me and give me a place of residence nearby to you, because if I am residing nearby to you, then I will be able to also witness those intimate, wonderful pastimes of Radha and Krishna that they are performing on your body. So there is so much rasa, there is so much tattva about Giriraj Govardhan. In some ways he is Krishna tattva. In some ways he is actually Radha tattva. Srila Gurudev has explained to us that Sri Giriraj Govardhan is actually manifested from the heart of Srimati Radhika. And therefore we also understand that he is Haridas, Haridasi Varya, because he is witnessing the most intimate pastimes that cannot be witnessed by any male personality. So therefore, Sri Gurudev is actually revealing the glories of Braj Mandala, the glories of Giri Govardhan. He has established for all the world this beautiful Giriraj Govardhan Gaudiya Math. If anyone comes here, they cannot avoid tasting the moods of Govardhan, the moods of the pastimes that have been enacted here in Govardhan. So therefore, we pray, just like the Pranam Mantra written by our Shripad Madhavaraj for our Gurudev, that he is so expert in narrating Sri Krishna. Sri Krishna Lila Katane Sudaksham Audarya Madhurya Gunaishta Yuktam Param Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shirsha Namami. So we are offering our Dandavat Pranams to the lotus feet. Hare Krishna Sri Bhakti Purandar Prabhu, Bhakti ka band karo, isse garbh paida ho raha hai. Is Bhakti ka turant band karo. So we are offering our pranams at the lotus feet of our Srila Gurudev for mercifully bringing us here, especially year after year, and giving us this golden opportunity in our human form of life to attain the blessings of Giriraj Govardhan. We are praying at the lotus feet of our Gurudev that we can have no other desire, because Srila Gurudev said, Giriraj Maharaj knows every desire in everyone's heart. He is all-knowing, omniscient. So if you really want only Radha Dasyam and service to the lotus feet of Srimati Radhika, then Giriraj Maharaj will give that. But he's waiting to see that if that is the only thing that you want and you will not accept anything else, then Giriraj Maharaj will bestow that upon us. So the glories of Giriraj Govardhan are unlimited. We pray at the lotus feet of Sri Gurudev that he will bless us to be able to come here year after year until our last breath to attain the mercy of Giriraj Govardhan. Bhaksha Kalkutru Vishnu Kripa Sri छोटो दीपावली हो गया अपना प्रदीप जारी है मंदिर और
অল্প কালকে বড় দীপাবলি অমাবস্যা রাজের মধ্যে মুখার বিন্দু হচ্ছে আর মানসিক গঙ্গা মানসিক গঙ্গার মধ্যে গিরিরাজ গোবর্ধন ওখানে সর্বত্র আছে এই জন্য নিয়ম আছে যে ভারতবর্ষের সব জায়গা থেকে লোক আসেন ওই মানসিক গঙ্গার কাছে দ্বীপ জ্বালায় তো গিরিরাজ গোবর্ধনেরই দ্বীপ জ্বালানো এই জন্য কালকে আপনারা পাঠ একটু আগে সমাপ্ত করে দেওয়া হবে দীপাবলি করে দিয়ে তারপরে এখানে ঠাকুরের উপরে নিচে সর্বত্র প্রদীপ দিবেন আর বর্ষ হচ্ছে প্রতিপদা অন্নকূট এই দিনে ইন্দ্রের পূজা হচ্ছিল তার মধ্যে কৃষ্ণ গোবর্ধন গিরিরাজের পূজা করে গোবর্ধন গো ইতি গাভি গো ইতি ইন্দ্রিয় গো গো গোপি গোপি সকলকে বর্ধন করে নি এই জন্য গোবর্ধন গরু জলের খুব তৃণ হরা ভরা তৃণ মানসিক গঙ্গা কুসুম সরোবর গোবিন্দ কুণ্ড সব জল কৃষ্ণের সেবার জন্য মঞ্চ রাসলীলা তাহার কন্দরা কন্দরা দে লীলা ইত্যাদি এইসব সেবি করে তো তাহার ওই দিনেতে অন্নকূট হবে আমরা মঠ থেকে সকলের সাহায্যে বিরাট ভাবে অন্নকূট মহোৎসব করা হবে বলা হয় 56 কিন্তু হবে কত না জানে 56 প্রায় 1000 মত আইটেম সব আপনারা প্রস্তুত করবেন রান্না ঘরে গিয়ে যে যারা গুণ বাঙালি মেয়েরা হিন্দুস্তানি মেয়েরা দিল্লি সব অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ডিভোটিজ অলসো দে শুড প্রিপেয়ার সামথিং টু গি ভোগ অফ গিরিরাজ গোবর্ধন ইস গিরিরাজ গোবর্ধন কে অন্নকূট মে যদি কোই এক দানা ভি चावल का दाल का या किसी चीज का देता है भले ही लक्ष्मी जी को भिक्षा करना पड़े किंतु उस व्यक्ति को भिक्षा अन्न के लिए नहीं करना उसका भंडार सब समय अन्न पूर्णा योग माया जी परिपूर्ण रखती है इसलिए अपनी कमाई का कुछ न कुछ अंश गिरिराज गोवर्धन में जरूर पहुंचाना चाहिए सेवा करने से devotees. They were everyone from Bengal, Delhi,
Vedika, they can offer according to their ability. Europe and other countries also. We should offer, it says chaplain bowl. Chaplain means at least 56 items. But even in Bajan, we offered 800 items, what to speak of here. So here we should be offering at least more than 1,000 devotees. Anyone who gives anything, even a grain of rice or 1 rupee, it may be Lakshmi has to beg. But a person who offers seva to Kira Arjan Anukul, he will never have to beg. Yoga Mana will always keep his pantry, his wallet full with sufficient money and grace. Kira Arjan! चाहता है माधव महाराज जी को, पन महाराज को, तीर्थ महाराज को, दामोदर महाराज को दे देंगे, वो हम लोग उसको गिरिराज गोवर्धन की सेवा में भोग में लगा देंगे। हरे कृष्णा, if someone will donate something for Annakut Mahotsav, do they still if they can offer to Sivan, Pan Maharaj, Tirtha Maharaj, Damodar Maharaj, myself, I think the best to offer Buddha directly. Either today after class, or tomorrow morning after class, or tomorrow after evening class, and eventually after tomorrow morning class, the best to offer Buddha directly. Otherwise, you can do too much crowd, then you can offer to myself, Premananda Prabhu, Tirtha Maharaj, Damodar Maharaj, Gwan Maharaj, and Ekshara Samila Prabhu. रघुनाथ दास गोस्वामी श्री गोवर्धन वास प्रार्थना दशक गिरिराज जी से प्रार्थना किया है। निजपति पूज्य दंड छत्र भाव प्रबद्ध प्रतिहत मंद त्रिष्टो दंड देव अतुल पितुल शैल से रूप प्रिय मे निज निकट निवासम दे गोवर्धन हे अतुल विस्तार वाले ऊंचाई की लंबाई की चौड़ाई अतुल इनके बराबर कोई विस्तार वाला नहीं है। हिमालय